और चक्रवात बिपोर शॉय से संबंधित हालात की आज समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की, लेकिन इसका जो डर है वो लोगों के बीच काफी देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के बताने पर बताया है कि बिपोर शॉय के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में सौराष्ट्र कक्ष के तटीय क्षेत्र में दस्तक देने की संभावना है और इसके मद्देनजर गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है और इन जिलों से लोगों को निकाला भी जा रहा है। देवभूमि द्वारका में अधिकारियों ने बताया है कि अब तक करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा भी दिया गया है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे गुजरात से जो सामने आई है। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोर शॉय के कारण वलसाड में तेज हवा के साथ ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी हैं। तो कहा जा सकता है कि चक्रवाती तूफान बिपोर शॉय का असर जो है वो गुजरात में अब हमें देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आई है तेज हवा के साथ ऊंची लहरें जो है वो उठती हुई देखी गई है। वलसाड की ये नजारे हैं, वलसाड गुजरात की ये नजारे हैं जहां चक्रवाती तूफान बिपोर शॉय का असर देखने को मिला है। और हमारे साथ इसी खबर पर झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय कहर बनकर बरप सकता है, गुजरात में स्पेशली इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल होगा अभिषेक जी, आखिरकार इस तरह के चक्रवाती तूफान बनने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं? सर, यही दो समय में आपको चक्रवात ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो प्री मानसून का जो समय हो गया आपका अप्रैल में, और कभी कभार जो मानसून के शुरुआती में भी कुछ चक्रवात बनते हैं, जैसे ये बिपोर जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के जो चक्रवात होते हैं ये आपको अधिकतर जैसे अभी इस समय में जो आपको गर्मी बढ़ी है तो समुन्द्र का भी जो तापमान है काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण समुद्र में लो प्रेशर बनता है और वो लो प्रेशर एरिया और गहरा के चक्रवात का रूप ले। तो ये जो टेम्परेचर का बढ़ता है और उस वजह से इस सीजन में भी जो हम लोग चक्रवात का जो चक्रवात बनते हैं उसका मेन कारक टेम्परेचर राइज है। अभिषेक जी, लेकिन अगर हम बात करें तो कई ऐसे जो हमने देखा कि कोरोना काल में भी लोगों को परेशानी हुई, इस तरीके से जब सामने आते हैं मामले तो लोगों पर जो खासा असर है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या लगता है भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है, क्या इस तरीके के जब साइक्लोन आएंगे तो गुजरात में हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम कितना इससे बच सकते हैं? देखिए, वन ऑफ द बेस्ट आता है साइक्लोन फोरकास्ट का, और इस रीजन में हमसे अच्छा साइक्लोन फोरकास्ट आईएमडी से अच्छा कोई भी नहीं करता है। तो आपने लास्ट में भी मौका में भी देखा कि आईएमडी ने कितना अच्छा काम किया, एग्जैक्ट ट्रैक पता था। अगर आपको ट्रैक एग्जैक्ट पता हो तो एनडीआरएफ के लिए भी एसडीआरएफ के लिए भी काफी आसान हो जाता है, और लोगों में भी जागरूकता काफी बढ़ी है। सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है। साथ में जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तैयारी है, उससे आजकल जो तूफान आते हैं उसके काफी जो क्षति है उसको बचाया जा सकता है या बचाया जा रहा है। तो उस हिसाब से जो तैयारी है वो काफी सटीक रहती है, और इसमें जो नए नए टेक्निक है, मॉडल्स हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, रडार है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और झारखंड के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इस चक्रवात का झारखंड पर असर पड़ने वाला है, और अगर झारखंड पर असर पड़ेगा तो ये कितना असर पड़ सकता है झारखंड पे? देखिए, ये जो चक्रवात है ये गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र एरिया के पास में हिट करने का इसके संभावना जो जताई जा रही है, क्योंकि गुजरात झारखंड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अरब सागर के साइड में है, तो झारखंड पे इस पर कुछ वैसा असर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, कुछ क्लाउड बैंड है, थोड़े बादल आ सकते हैं जिस कारण से थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को हल्का फुल्का मिल सकता है, बाकी इसका कोई खास असर झारखंड पे देखने को नहीं मिलेगा।
आपसे मेरा अंतिम सवाल होगा अभिषेक जी, क्योंकि झारखंड खनिज संपदाओं का प्रदेश है और यहाँ जो अब गर्मी है वो चरम पर है, लोगों को अब भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, क्या कारण है, आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है मानसून आने में? अब भी कहा जा रहा है कि 18 से 19 जून तक मानसून जो है वो झारखंड में प्रवेश करेगा, लेकिन अब की जो स्थिति है काफी गर्मी है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्यों, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि केरल में ही मानसून थोड़ा लेट से आया है, एक तारीख को आना था वो 8 तारीख को आया है, तो ये डिले तो ओवरऑल ट्रैक में आपको देखने को मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले झारखंड में भी हो रहा है मानसून इस बार। बट क्योंकि देखिए, क्योंकि वैसी बारिश नहीं हो रही है और मानसून हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बट बहुत हल्का लेट है, वैसी बारिश नहीं हो रही है, ड्राई विंड्स हैं, और क्योंकि आप देखते हैं कि झारखंड के सेंटर से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सन का भी मूवमेंट अभी झारखंड की तरफ हो रहा है, 21 जून सबसे बड़ा दिन है, तो इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा है, सन का इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और उस कारण से कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो गर्मी है। जब मानसून एक बार आ जाएगा उससे थोड़ा सा जो सावर स्टार्ट होगा उसके बाद से लोगों को ये जो गर्मी से निजात मिलेगा। चलिए अभिषेक आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने आप तक जानकारी पहुंचाई कि चक्रवाती तूफान बेपोर्जॉय का क्या कुछ असर झारखंड पर पड़ने वाला है भी या नहीं, और हमने इनसे यह भी सवाल पूछा कि झारखंड में इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है आखिर क्या कुछ इसके पीछे के कारण है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि केरल में भी इस बार जो मानसून है वो काफी देर से आया है, जिस वजह से झारखंड में भी इसका असर हमें देखने को मिला, और झारखंड में भी 18 से 20 जून का पूर्वानुमान है जो मौसम विज्ञान की ओर से लगाए गए हैं कि झारखंड में मानसून का जो प्रवेश है वो इन तारीखों के बीच में होना है। लेकिन अगर हम बात करें चक्रवाती तूफान बेपोर्जॉय की, तो बेपोर्जॉय का असर अब तक हम कह सकते हैं कि झारखंड में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तस्वीरें जो गुजरात से सामने आ रही है चक्रवाती तूफान की बेपोर्जॉय की, ये तस्वीरें भयावह भी हो सकती हैं, और इसको लेकर हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक समीक्षा बैठक की है और पूरी तैयारियां इस चक्रवाती तूफान बेपोर्जॉय से लड़ने को लेकर भारतवासियों ने कर रखी है।